हेलो स्टूडेंट, आप सभी का फिर एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे मुंबई वाले सर। गाइस, आज के वीडियो में हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं लेटर राइटिंग। जी हाँ दोस्तों, मैं यहाँ पे लेटर राइटिंग किस तरह से करने का ये भी आपको बताने वाला है और साइमल्टेनियसली आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी देने वाला हूँ। जी हाँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी आने वाले हैं जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि कौन से टॉपिक कल के पेपर में आपके दिखने वाले है, तो हॉट टॉपिक भी मैं शेयर करूँगा। और जैसे कि आप सभी को पता है, मराठी के पेपर के टाइम पर भी मैंने हॉट टॉपिक शेयर किए थे और उसमें से ही मोस्ट ऑफ द टॉपिक आपके पूछे गए के राइटिंग स्किल का जो भी पार्ट था उसमें। तो ये भी जो पॉइंट्स यहाँ पे मैं हॉट टॉपिक दे रहा हूँ उसके ऊपर ज़रूर काम कर लीजिए, क्योंकि इससे बेनिफिट 100% आपको होगा। तो बहुत ही वीडियो इंपॉर्टेंट बनने वाला है, बिना स्किप के एंड तक जरूर देखिए। और जी हाँ दोस्तों, चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो देखिए, मुझे जल्दी से जल्दी मेरे 15,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने के हैं, तो इसके लिए आपका सबका सपोर्ट चाहिए और मुझे आप लोग का सपोर्ट मिलेगा तो ये मैं 15,000 इजीली कैच कर सकता हूँ। तो देखिए, अभी यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं लेटर राइटिंग के बारे में। तो लेटर राइटिंग का अगर स्पेसिफिकली बात किया जाए तो आप सभी को पता है कि ये जो क्वेश्चन है ये हम लोग बहुत सालों से सॉल्व करते आ रहे हैं, 5 मार्क का क्वेश्चन है। फिर भी कुछ डाउट रहता है, इसके लिए मैं एक आपको सैम्पल लेटर भी लिख के बताऊंगा यहाँ पे, मतलब मैंने जो लिखा है वो आपको बता दूंगा। ओके, तो यहाँ पे आपको पता है कि एक कंडीशन दिया जाएगा एंड देन इनफॉर्मल और लेटर और फॉर्मल लेटर लिखने का रहता है। इनफॉर्मल मतलब जो अपने फैमिली लेटर, जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे देखिए आप लोग लिखे राइट लेटर टू योर ब्रदर। ओके, तो अपने भाई को लेटर लिखने का मतलब, इन शॉर्ट जैसे मैंने कहा कि अपने फैमिली के अंदर जो लेटर रहता है उसको हम लोग इनफॉर्मल लेटर बोलेंगे। एंड फॉर्मल नीचे देख सकते हो आप लोग, इसमें आपको जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो चीफ ट्रैफिक काउंसलर कंट्रोलर, इसको आपको यहाँ पे लेटर लिखने का है, तो इसको हम लोग ऑफिशियल लेटर्स भी बोलते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। इस तरह से ये दो कैटेगरी में लेटर रहेगा, आपको जो लिखने का वो लिख सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से इनफॉर्मल लिखोगे तो बेस्ट जाएगा। आप लोग को प्रॉपरली लिखने के लिए भी ज़्यादा कुछ ये नहीं करने पड़ेगा, मैं आपको इनफॉर्मल लेटर किस तरह से लिखने का ये आपको सिखाऊंगा थोड़ी देर में। तो चलो, इस तरह से ये दो टॉपिक के ऊपर अपने को लेटर लिखने का, मतलब किसी एक टॉपिक के ऊपर अपने को लेटर लिखने का है। ओके, तो अभी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि एग्जैक्टली क्या क्या पॉइंट्स दिए उन्होंने, बोले ना यूज द गिवन पॉइंट्स इन द पोस्टर। ओके, तो ये पोस्टर क्या है, देखिए रोड सेफ्टी वीक का ये पोस्टर है और इसके ऊपर, और देखिए ऐसा ही कुछ कैटेगरी का आपको पोस्टर या कुछ पॉइंट्स वगैरह आपके एक्टिविटी में, मतलब ये जो लेटर राइटिंग है इसमें रहते हैं, तो ये पॉइंट्स भी मतलब इससे रिलेटेड पॉइंट्स भी आपके लेटर में आने चाहिए। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि बच्चे नॉर्मली लिखते हैं लेटर, जो कुछ पैटर्न रहेगा उससे रिलेटेड, ऐसा मत करिएगा। इसके जो पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको, ये पॉइंट्स आप लोग ऐसे वैसे करके सेंटेंस में यूज कर लीजिए ताकि आप लोग का लेटर प्रॉपरली बन जाए। ओके, क्योंकि ये पॉइंट्स रहेंगे तो आपको मार्क्स अच्छी तरह से मिलते हैं। अगर आप लोग इन जनरल लेटर लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिले, इसके लिए बोल रहा हूँ कि ये पॉइंट्स जो भी वो लोग दे रहे हैं, अगर डायरेक्टली बोल लेते हैं लेटर राइटिंग तो इट्स ओके, बट यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ऐसे कुछ पॉइंट्स या कुछ पोस्टर या कुछ तो एक्टिविटी वगैरह दिया जाएगा, तो उसका यूज आपको अपने लेटर में करने का है। क्लियर गाइस, तो इस तरह से ये लेटर राइटिंग रहेगा और 5 मार्क का लेटर राइटिंग है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अभी हम लोग देख लेते हैं कि ये लेटर एग्जैक्टली किस तरह से लिखने का। ओके, तो यहाँ पे गाइस देखिए, मैंने एक लेटर यहाँ पे आपके लिए बताया है, तो वहाँ पे देखिए गाइस लिखा था संजय भोसले करके जो पर्सन है और उसका एड्रेस भी आप लोग को वहाँ पे दिया था। तो देखिए, पहले अपने को वो लिखने का है संजय भोसले, देन कॉमा डाल देने का है, देन रूम नंबर एंड रूम नंबर जो दिया है वो डाल दीजिए, देन अगेन कॉमा साई नगर, अगेन कॉमा पोरुआ कॉलोनी, अगेन कॉमा एंड देन अमरावती, अमरावती के बाद आपको डालने का है फुल स्टॉप। तो जो एड्रेस आपको दिया है वही एड्रेस यहाँ पे कॉपी करने का है, अपना ओन एड्रेस या कुछ क्रिएट करके एड्रेस यहाँ पे मत लिखिए। ये जो एड्रेस आपको क्वेश्चन में रहेगा, बराबर आपके क्वेश्चन में ये एड्रेस था तो वही एड्रेस मैंने यहाँ से उठा के, मतलब वहाँ से उठा के यहाँ पे डाल दिया है, तो आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन में आंसर नहीं रहेगा, मतलब एड्रेस नहीं रहेगा, तो आप लोग क्या कर लीजिए, अपना एड्रेस बना के रख दीजिए और वो लिख लीजिए। ओके, तो इस टाइम पे आप लोग ऊपर नाम एक्स वाई जेड डालोगे, ये तो आप सभी को पता ही रहेगा। तो इस तरह से एक्स वाई जेड करने का है, बाकी एड्रेस आप लोग अपने हिसाब से क्रिएट करके लिख सकते हो। ओके, और अभी देखिए ये जो आपका लेटर है
इसमें आपका सब्जेक्ट वगैरह नहीं आएगा। यस, लास्ट में आपको डेट भी देने का है, ये देखिए डेट वगैरह हम लोगों ने डाल दिया है। एंड यस, लेटर को भी स्टार्ट कर दीजिए। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में लिखा है डियर केदार, और यहाँ पे हम लोग डाल देंगे कॉमा। एंड यस, अभी अपना पैराग्राफ चालू हो जाएंगे। मोस्टली गाइस तीन या चार पैराग्राफ में आपको लेटर लिखने का है। तो यहाँ पे मैं गाइस आपको एक इनिशियल पैराग्राफ बोल रहा हूँ। ये इनिशियल लाइन, ये जो गाइस लाइन है, ये आपके लिए ऐसे ही रखोगे तो अच्छा रहेगा। सभी लेटर के लिए आप लोग सेम लाइन यूज़ कर सकते हो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। बस अपने को सब्जेक्ट थोड़ा सा जो रहेगा उसके हिसाब से लास्ट के एक दो लाइन चेंज करने के, लेकिन इनिशियल जो लाइन्स है इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं आएगा। इनिशियल पैराग्राफ ऑलमोस्ट जैसे मैंने कहा कि सेम ही रहेगा। देखिए क्या लिखा है मैंने, आई रिसीव यूअर लेटर यस्टरडे, मुझे तेरा लेटर कल मिल गया। ओके, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। इट इज़ गुड टू नो दैट यू आर हैप्पी डियर। ओके, और मुझे पता चल गया कि तू वहाँ पे खुश है, ये भी अच्छा है। इट हैज़ बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस आई रोट टू यू। ओके, तो यहाँ पे हम लोग बोल देंगे कि बहुत टाइम हो गया कि हम लोग, मैंने अभी तक तुझे कभी लिखा नहीं है पत्र, लेटर कभी लिखा नहीं है। तो देखिए ये जो चीज़ें हैं ये हम लोग हर लेटर के स्टार्टिंग में यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लोग फैमिली लेटर लिख रहे हो तो इसमें आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये पार्ट आप लोग आसानी से हर जगह पे कॉपी कर लीजिए। तो ये पकड़ के चलिए, ये आपके गोल्डन लाइन है। ये गोल्डन लाइन्स आपको अच्छी तरह से याद रखने के हैं, और जैसे मैंने कहा कि हर एक लेटर में आप लोग लिख सकते हो। उसके बाद गाइस आपको क्या करने का है, जो भी अपना टॉपिक है उसको थोड़ा सा टच करने का है कि क्या किसके लिए लेटर लिख रहे हैं। तो हम लोग अभी ऑब्वियसली उसको ड्राइव सेफ वगैरह इससे रिलेटेड लिखने वाले हैं, तो कुछ ना कुछ तो हम लोग उसका हिंट दे के रखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे केदार, आई came to know that you have taken a car, so congratulations to you। ओके, तो यहाँ पे हम लोग ने उसको कॉन्ग्रेचुलेट कर दिया कि हाँ मुझे पता चल गया कि तूने गाड़ी लिया है। ओके, तभी तो हम लोग उसको रोड सेफ्टी का बताएंगे ना, तो पहले गाड़ी लिया ये भी बताना पड़ेगा। तो हम लोग ने ये ऐसा इसमें अडॉप्ट कर दिया है कि यस, हमें पता चल गया कि तूने गाड़ी ली है, और अभी हम लोग तुझे बताएंगे, क्या बताएंगे, रोड सेफ्टी के बारे में। तो देखिए अभी आगे क्या लिखेंगे, टुडे आई सॉ द रोड सेफ्टी पोस्टर इन अवर स्कूल कैंपस। तो ऐसा किधर तो आप लोगों ने देखा, वो भी थोड़ा हम लोग बताएंगे कि यस, अभी आज मैंने क्या किया, मेरे स्कूल के कैंपस में एक रोड सेफ्टी का पोस्टर देखा, बैनर देखा। ओके, एज सून एज आई सॉ दैट पोस्टर आई रिमेंबर यू। ओके, जैसे मैंने वो पोस्टर देखा मेरे दिमाग में तू आ गया, क्योंकि अभी तो तूने गाड़ी ली है, तो मुझे मतलब तू नया है गाड़ी चलाने के इसमें, तो मुझे ये चीज़ें तेरे साथ शेयर करना अच्छा लगेगा। इसके लिए मैंने ये, जैसे ही मैंने देखा मेरे दिमाग में तू आ गया। सो आई फेल्ट इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एजुकेट यू अबाउट द रोड सेफ्टी। ओके, तो ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं तुझे रोड सेफ्टी के बारे में कुछ चीज़ें बताऊँ। तो ये यहाँ पे आपको लिखने के, एंड देन उसके बाद मैंने गाइस यहाँ पे डॉट 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 डाल दिया है। इसके बारे में फिर आपको जो भी पॉइंट्स वहाँ पे दिए जाएंगे उसके अकॉर्डिंगली आप लोग लिख सकते हो। तो ये जो आपका सेकेंड पैराग्राफ गाइस रहेगा, इसमें थोड़ा सा आपको जो भी सब्जेक्ट रहेगा उसके हिसाब से थोड़ा सा चेंज करने का है। तो ये सब्जेक्ट आपको जिस तरह से रहेगा उसके हिसाब से आपके लाइंस चेंज होते आएंगे। क्या रहेगा, किस तरह से, कौन से सब्जेक्ट के लिए प्रिपरेशन करने का, ये मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो वीडियो बिना स्किप के एंड तक ज़रूर देखें। और जी हाँ दोस्तों, बाकी के वीडियो भी ज़रूर देखिए, उन सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जाके ज़रूर चेक करिए, क्योंकि ये सभी इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसमें मैंने आपको पेपर पैटर्न भी बता दिया है, साइमल्टेनियसली ग्रामर का सेक्शन भी गाइस मैंने सॉल्व करके दिया है, तो ग्रामर का सेक्शन वाला भी वीडियो देखिए। और ई बुक डाउनलोड कर लीजिए, बहुत सारे बच्चों ने डाउनलोड कर दिया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे बच्चों ने नहीं किया है, तो कर लीजिए। ओके, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। आगे देखिए क्या दिया है, आई होप, मतलब अभी लास्ट वाला पैराग्राफ, आई होप यू विल रिमेंबर व्हाट आई सेड एंड ड्राइव सेफली। ओके, तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे कि हाँ अभी मुझे लग रहा है कि मैंने जो जो चीज़ें तुझे ऊपर बताई बाकी चीज़ें आप लोग बता लीजिए, और ये सब तू सुनेगा और इसको इम्प्लीमेंट करेगा और सेफली ड्राइव करेगा, प्लीज़ टेक केयर ऑफ। एंड लास्ट में जाते वक्त ये पैराग्राफ में ये भी अपने गोल्डन वर्ड्स है जो अपने को लिखने के, प्लीज़ टेक केयर ऑफ यूर सेल्फ एंड पेरेंट्स। ओके, ऑल्सो आई एम ईगर टू मीट यू ऑल, आई एम वेटिंग फॉर यूअर रिप्लाई। तो ये हम लोग लिख सकते हैं कि हाँ तेरा और तेरे घर वालों का, या मतलब अभी ये तो मैं अपना भाई है तो पेरेंट्स का वगैरह हम लोग बोल सकते हैं कि ख्याल रख, एंड यस मैं वेट कर रहा हूँ कि कभी मैं आप सभी को मिलूँ, एंड मैं वेट इसका भी कर रहा हूँ कि तुम इस लेटर का कुछ ना कुछ तो मुझे जवाब दे दो। ओके, इसके लिए मैं वेट कर रहा हूँ, तो इस तरह से लिखने का। एंड यू आर लविंग ब्रदर, एंड यस आप लोग का नाम रहेगा ऊपर, जस जो लिखा है वो नीचे लिखने का।
जैसे ऊपर हम लोग ने संजय लिखा था संजय भोसले, तो नीचे हम लोग संजय लिखेंगे। अगर हम लोग ने ऊपर एक्स वाई जेड लिखा रहेगा तो नीचे हम लोग को एक्स वाई जेड लिखना पड़ेगा। तो देखिए गाइस, लेटर राइटिंग बहुत ही सिंपल है और आप लोग बहुत सालों से करते आ रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग को लेटर राइटिंग के लिए और भी कुछ चीज़ें बताने की ज़रूरत है। सेम आप लोग ऑफिशियल लेटर के लिए भी जा सकते हो, कुछ प्रॉब्लम है नहीं है। अभी हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या टॉपिक पे लेटर्स आएंगे और क्या हॉट टॉपिक है। तो ये गाइस यहाँ पे है अपने हॉट टॉपिक। तो यहाँ पे गाइस मैंने टोटल आपके लिए 6 टॉपिक दिए हैं, क्या है देखते हैं वन बाय वन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस यहाँ पे रहेगा परमिशन फॉर द पिकनिक। ओके, तो पिकनिक को जाने का इसका परमिशन चाहिए, तो इसके लिए आप लोग परमिशन ले सकते हैं। और सेम टाइम गाइस वही चीज़ आप लोग ऑफिशियली भी लिख सकते हैं, आस्किंग फॉर द परमिशन टू इंचार्ज। मतलब अगर आपको यहाँ पे पिकनिक के लिए जाने का है तो उसके जो वहाँ के हेड रहेंगे उनको हम लोग परमिशन मांग रहे हैं कि हमारा स्कूल का पिकनिक वहाँ पे आने वाला है या हम लोग पिकनिक के लिए वहाँ पे आने वाले हैं, तो हमें कुछ परमिशन भी दीजिए। तो ये सब चीज़ें ऑफिशियल में आ जाएगी एंड नॉर्मल रहेगा परमिशन फॉर द पिकनिक योर पेरेंट्स, मतलब पेरेंट्स को लेटर लिख के आप लोग ये परमिशन मांगने वाले हो। तो ये आपका फर्स्ट और सेकेंड टॉपिक रहेगा। देन गाइस अच्छा खासा टॉपिक जो रहता है दैट इज ब्लड डोनेशन कैंप, यानी कॉम्पिटिशन, ट्री प्लांटेशन, साइंस एग्जीबिशन, ऐसे वाले जो रहेंगे इसमें गाइस आपको लेटर लिखने का रहता है फैमिली मेम्बर्स को कि डोनेशन है, कि अपने चाचा को लेटर लिखो कि डोनेशन ब्लड डोनेशन है अंकल को, एंड उसके लिए पार्टिसिपेंट करो करके, यानी कंपटीशन वगैरह रहेगा। ओके, ड्राइंग कंपटीशन है तो अपने फ्रेंड को सजेस्ट करके लेटर लिख के बताइए कि स्टेट लेवल पर ड्राइंग कॉम्पिटिशन है उसमें तो पार्टिसिपेंट कर करके, या ट्री प्लांटेशन का रहेगा, या साइंस एग्जीबिशन इसमें आप लोग अपने फैमिली मेम्बर्स को भी बता सकते हो एंड ऑर्गेनाइजर्स के पास से परमिशन ले सकते हो उनके वॉलेंटियर बनने के लिए। देखिए अभी ये कैसा रहता है, ट्री प्लांटेशन के लिए आप लोग वॉलेंटियर वगैरह बन सकते हो, या ब्लड डोनेशन कैंप में आपको वॉलेंटियर बनने का या ब्लड डोनेशन के लिए आने का है, तो इससे रिलेटेड आप लोग ऑर्गेनाइजर को भी लेटर लिख सकते हो। तो ये गाइस कुछ टॉपिक है जो एवरग्रीन में रहते हैं, हमेशा ऐसे कुछ टॉपिक यहाँ पे पूछे जाते हैं। देन गाइस देखिए अभी आप लोग जो पेपर लिखोगे उसमें आपको पता है कि अभी इसके बाद होली का त्यौहार आने वाला है, तो होली और दिवाली ऐसे सेफली मनाया जाए या जो भी चीज़ें हैं सेफ्टी से रिलेटेड वो आपको वहाँ पे लिखनी की है, या गवर्नमेंट के कुछ जो प्लान रहेगा उसके हिसाब से ऑर्गेनाइजर्स या अपना जो गवर्नमेंट की अथॉरिटीज़ है उनको लेटर लिखना, ये इसमें आ जाता है। देन 8 मार्च को आपको पता है वुमन डे रहता है, एंड यस हम लोग 7 मार्च को पेपर लिख रहे हैं राइट, तो ये टॉपिक यहाँ पे हॉट बन जाता है। तो ये क्या बोल सकते हैं हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक में ये इसके लिए मैंने इंक्लूड करके रखा है वुमन डे से रिलेटेड कुछ रहेगा, या इंपॉर्टेंस ऑफ अ गर्ल चाइल्ड इससे रिलेटेड आपको अपने पेरेंट्स को कुछ चीज़ें बताने की रहेगी, या अपने फ्रेंड को कुछ चीज़ें बताने की रहेगी, या कोई ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने अगर कुछ फंक्शन वगैरह ऑर्गेनाइज किया तो उसमें आपको इन्वॉल्व होने का है, उसमें वॉलंटियर बनने का है, तो इससे रिलेटेड आपको यहाँ पे लेटर लिखने बोल सकते हैं। एंड लास्ट वन की इंपॉर्टेंस ऑफ द स्पोर्ट्स, योगा और एक्सरसाइज, ये अपने भाई बहन को समझाना, या अगर कोई ऑर्गेनाइज कर रहा है तो वहाँ पे हम लोग को एनरोल करने का है, तो इससे रिलेटेड आपको लेटर लिखने का है। तो गाइस देखिए ये 6 टॉपिक है, अच्छी तरह से नोट डाउन करके रख दीजिए और इसको एक बार जरूर देख के लीजिए, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ऐसे ही टॉपिक और यही टॉपिक कुछ तो आपको कल के पेपर में दिख जाएंगे, जैसे मैंने मराठी के पेपर के टाइम पे बोला था। और यस गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब करने में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, 1 मिनट का है, एंड ये चैनल आपको 10 के बाद भी बहुत काम का है, क्योंकि मैं बाकी भी एडमिशन से रिलेटेड प्रोसेस को भी यहाँ पे आपको बताते रहूँगा, ताकि आपका 11 का एडमिशन भी स्मूथली जाए। 10 का तो हम लोग करेंगे ही और बेस्ट स्कोर करेंगे, जैसे हमारा टारगेट है हर एक सब्जेक्ट में 95+। अगर आप लोगों ने मराठी का पेपर मैंने जो बताया वो टिप्स ट्रिक्स और जो भी इम्पोर्टेंस उसके साथ सॉल्व किया रहेगा तो 95 आराम से मिला रहेगा, एंड यस यहाँ पे भी अपने को 90-95 आराम से मिल सकता है। तो ये जो टारगेट है हम लोग इजीली अचीव कर सकते हैं, बस जो चीज़ें बता रहा हूँ उसको प्रॉपरली फॉलो करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि आज का हमारा जो टारगेट है ये 15K सब्सक्राइबर, ये फर्स्ट मेरा टारगेट है, इसको पहले गाइस मुझे अचीव करने का है, तो फटाफट सब्सक्राइब करके मुझे 15K तक पहुँचा दीजिए। ओके, थैंक यू।